नमस्कार दोस्तों, सारी दुनिया में कोरोना का कहर अभी जारी ही है। इसी बीच चीन में एक और नए वायरस ने दस्तक दिया है। हंता नामक इस वायरस ने यूनान प्रांत के रहने वाले एक व्यक्ति की जान ले ली है। इससे पूरे चीन में सन्नाटा पसर गया है। क्या यह वायरस कोरोना के जितना ही खतरनाक है? क्या यह चूहा खाने से फैलता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हंता वायरस कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है। यह कोरोना की तरह हवा से नहीं फैलता, यह चूहे और गिलहरी से सीधे संपर्क में आने से फैलता है। चूहों के घर के अंदर घुसने से इसका संक्रमण बढ़ता है। यह एक शख्स से दूसरे में नहीं फैलता, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सीधे चूहे या चूहे के मल आदि के संपर्क में आने से फैलता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द होता है, पेट में दर्द, उल्टी और डायरिया की शिकायत रहती है, और इलाज में ज़्यादा देरी होने पर फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन यह कोरोना की तरह घातक नहीं है। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की ज़रूरत है। कोरोना का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। जो डर गया समझो बच गया। धन्यवाद।